जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी मैं पैसे कमाता रहूंगा बच्चों, क्यों? एज लॉन्ग एज मेरी सांस चलेगी मैं पैसे कमाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने शुरू के 3.5 साल जो सीएस में थे मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है बच्चों। पिछवाड़े पे छाले हो जाते थे पढ़ाई करते करते लाइब्रेरी की चेयर में बैठ बैठ के, और घर पे रूम पे जो हमारा होता था मिरर सिर्फ एक ही होता था वॉश बेसिन के ऊपर, तो पिछवाड़े में छाले होते थे। अब वो दवाई आती थी तो कई बार दवाई लगाने में हम कभी सोचते थे कि छाले देख लें, कैसे देखे छाले, मिरर आपका यहां पे है आप यहां गए आते ही था, पीठ तक ही आता था, पार्टीशन आते ही था, सब बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों। तो इतना दर्द लेके पढ़ाई किया है बच्चों, एक बार बहुत मेहनत करके फेल भी हो गए, फिर फेलियर का दर्द, रिश्तेदारों के ताने, और फिर भी पढ़ाई करते रहे करते रहे करते रहे, 3.5 साल पढ़ाई की, उसके बाद अपन सीएस बन गए। ठीक है, तो इतनी मेहनत की है यार, और वो 3.5 साल दुनिया भर का सेक्रीफाइस किया। आपके बीकॉम वाले दोस्त जो प्लेन बीकॉम वाले दोस्त थे वो बढ़िया सिम्बायसिस कॉलेज में जाते थे, लड़कियां सेट करते थे, लेट नाइट पार्टीज करते थे, ठीक है, भगवान उनका भी भला करे, बट हमने वो नहीं किया। बहुत सारे क्या किए सेक्रीफाइसेस किए, और आप सब अवेयर हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस लाइक वी डू एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू डू। तो यार इतनी मेहनत की है तो लाइफ लॉन्ग तक तो मेरे ख्याल से पैसे कमाना बनता है, इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट यू विल कीप अर्निंग मनी। आप किसी कंपनी के कंसल्टेंट बन जाओगे, यू विल बिकम एन यू नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू सम कंपनी, यू विल बिकम। सो मेरा यकीन मानना, दिस ऑल एफर्ट जो भी आप एफर्ट ले रहे हो दे आर वर्थ इट। सो मैंने जो काम किया कि लाइक आई हैव बॉट, लाइक मेरा टारगेट है कि मैं एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग मैं 10,000-15,000 शेयर्स किसके जमा कर लूंगा ITC के, एवरी मंथ आई बाय 100, देन आफ्टर माई रिटायरमेंट लाइक वंस आई रिटायर, जैसे मेरी अर्निंग कम हो जाएगी एज के साथ में तो व्हाट आई विल डू, हालांकि बढ़नी चाहिए बट मान लो कम हो गई तो व्हाट आई विल डू, मैं हर महीने क्या करूंगा, अभी मैं 100 खरीद रहा हूँ, अभी मैं 300 के रेट पे 100 खरीद रहा हूँ, लेकिन 10 साल के बाद 15 साल के बाद 500 के हो जाएंगे 600 के हो जाएंगे, तो मैं हर साल हर महीने 100 बेचूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिविडेंड अलग। तो यू हैव टू प्लान योर रिटायरमेंट, लाइक जिस दिन आपकी नौकरी लगे क्या करना है आपको, एक स्टॉक की SIP चालू करने की, एक अच्छा शेयर ITC हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, टाटा ग्रुप की कोई अच्छी कंपनी हो सकती है, तो दो 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 तीन शेयर, एक शेयर ITC का रख लें, एक शेयर ये रख लो, तो अपनी सैलरी के हिसाब से आपकी जितनी सैलरी उसकी 10% का SIP आप डाल देने का, और उसके चलते क्या होगा, तुम 40-50 की, आजकल तो यंग जनरेशन है, आपको लगता है कि मैं 50 की एज में रिटायर होऊंगा, 50 की एज में रिटायर मतलब काम करना नहीं छोड़ोगे, अपने हिसाब से काम करोगे। मैं रिटायर कभी नहीं होऊंगा, बट आफ्टर 5-6 years मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट बी टीचिंग वन सब्जेक्ट। सुबह आऊंगा 8 बजे, 3 घंटे 11 बजे तक पढ़ाऊंगा, बस 11 बजे फ्री, उसके बाद 2-3 घंटे जिम करूंगा, बढ़िया मैं इंस्टाग्रामर बनूंगा, बॉडी बिल्डर। सो ऐसा प्लान है 2-3 घंटे बढ़िया जिम करने का, बढ़िया अपनी वाइफ को लेके किसी गार्डन में बैठे हैं बच्चों, बैठे हैं तो बैठे ही हैं 2-3 घंटे तक। सो दिस इज लाइक आई विल वर्क हार्ड बट आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू माई विश, ठीक है, दिस इज लाइक रिटायरमेंट दैट आई ड्रीम ऑफ। सो एनीवे, सो मैं ये बोल रहा हूँ, सो ITC, व्हाट ITC डज इज, जैसे ITC को पता है कि दुष्यंत जैन के पास 4,000 शेयर्स हैं, ठीक है, पोल पे अगर वोट होते हैं